So let's continue the geometric method with the help of example. हमने पढ़ा non-linear, यदि ऐसे goal linear नहीं तो first draw tangent line AB to meet x and y axis at point A and B. तो tangent line बनाई AB. Okay? देखो यदि ये point A है तो क्या होगा, यदि ये point U है यहाँ पर तो क्या होगा, point P है that is middle में आ गया अभी, तो क्या है L, lower segment L यहाँ है तो क्या है, और point B है तो क्या है, हमको ये पांचों point के लिए समझना है. ठीक है, A यदि point है तो upper segment तो कुछ रहा ही नहीं, upper segment तो zero हो गया, कुछ है ही नहीं, और पूरा का पूरा lower segment ही है, right? तो हम क्या मानेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इधर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट इधर है, तो अपर सेगमेंट में तो जीरो हो गया ना, अपर सेगमेंट में जीरो है और सारा 6 का 6 पॉइंट सब लोअर सेगमेंट में है, तो दैट इज क्या हुआ, लोअर सेगमेंट इज 6, पूरा का 6 का 6 इज लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट इज जीरो. और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को ध्यान करो, ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट तो पूरा का पूरा 6 का 6 है, अपॉन अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, जीरो, तो 6 अपॉन 0 इज व्हाट, इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी. तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंफिनिटी का पॉइंट हो गया, ये समझ में आया कि ये इंफिनिटी का पॉइंट हो गया. ओके, अब आगे बढ़े, अब क्या है, ये पॉइंट U पे आया, तो U पे जब पॉइंट आया तो फिर भी अपर सेगमेंट छोटा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है, तो इस केस में भी इलास्टिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. P, अब ये मिडिल में पॉइंट है, यानी अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट हमेशा इक्वल है, तो जब पॉइंट P पे अपर और लोअर दोनों इक्वल है तो यूनिटरी इलास्टिक हो गया, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. अब पॉइंट नीचे है, दैट इज अपर सेगमेंट अब बड़ा हो गया, ये अपर सेगमेंट इज बिग एंड लोअर सेगमेंट इज स्मॉल, राइट? सो क्या हुआ, व्हेन लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर देन द अपर सेगमेंट, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. और एट पॉइंट बी, अब क्या हुआ, पूरा का पूरा अपर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट इज जीरो, तो इस केस में ईडी क्या होगा, ईडी एट पॉइंट बी, देखो मतलब सब कुछ अपर सेगमेंट है, सो लोअर सेगमेंट क्या हो गया, कुछ है ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला है लोअर अपॉन अपर, लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, जीरो अपॉन अपर सेगमेंट, पूरा अपर है, सिक्स पूरा अपर है, सो जीरो बाई सिक्स, तो जीरो बाई सिक्स इज जीरो, सो एट दिस पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, दैट इज इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. जबकि एट पॉइंट ए हमने देखा कि इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी एंड दैट इज सो एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट. हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखो, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अपर अपॉन लोअर नहीं करना है, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और यदि वो इक्वल आता है तो यूनिटरी इलास्टिक 3/3, जैसे पी पॉइंट पे तो इट इज 1. हाँ, अब एट पॉइंट यू क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल लोअर सेगमेंट 4 है और अपर सेगमेंट 2 है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटर देन 1. एट पॉइंट एल क्या हुआ, ये पॉइंट एल अपर सेगमेंट 4 है एंड लोअर सेगमेंट 2 ही है, सो लोअर सेगमेंट इज 2, अपर सेगमेंट इज 4, 2/4 इज इक्वल टू 5, सो 2/4 इज इक्वल टू 0.5, आधा, हाँ, आधा इज 0.5, सो ईडी इज लेस देन 1. और पॉइंट ए में हमको पता है कि इंफिनिटी, और पॉइंट बी पे हमको पता है 0, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. तो जहां पॉइंट आता है उस पॉइंट के हिसाब से ज्योमेट्रिक मेथड में हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.